It's confirmed. Italy, the G7 member to join China's Belt and Road, is dumping China's biggest international project. चीन को अब तक का सबसे बड़ा झटका, G20 से चीन को बहुत बड़ा झटका। China economically नीचे जा रहा है और उसके जो ग्रोथ रेट भी है वो काफी कम हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बड़ा है पिछले एक क्वार्टर में खास तौर पे। तो आप वाकई ये समझते हैं कि अब चीन के लिए इस कदर मुश्किलात हो गई हैं कि वो इस इकोनॉमिक स्लो डाउन जो इस वक्त है उससे नहीं निकल पाएगा? ये देखें आपके वर्ल्ड ट्रेड, ये वीडियो जरा देखें, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी चीफ है जो जाती है मोदी जी के पास और कहती है मुझे आप अपना ऑटोग्राफ दे दें। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। की मीटिंग बड़ी कामयाब गुजरी है और जो मुआहदे हो रहे हैं वो भी हम सबके सामने आ रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की फैन फॉलोइंग से रिलेटेड सर एक खबर है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ है वो आ गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास, कहती है कि रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए और चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी किताब में ऑटोग्राफ अपना देकर उनको दे देती है और वो बड़ी खुश होती है सर। तो यही सवाल मेरा आपसे है कि बड़ी WTO कोई छोटी छोटा इदारा नहीं है, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसकी चीफ ना सिर्फ ये पहली एग्जांपल है बस, बल्कि इससे पहले भी जो बाइडेन ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुझे तो आपका ऑटोग्राफ दे लेना चाहिए। तो ये जो राइजिंग मोदी फैन फॉलोइंग है उसके बारे में सर आप क्या बोलेंगे? देखें फैन फॉलोइंग तो आपकी भी है, फैन फॉलोइंग तो मेरी भी है, ठीक है ना। तो फैन फॉलोइंग जो है वो तो होती है, लेकिन कुछ ऐसी फैन फॉलोइंग होती है, ऐसे लोगों की फैन फॉलोइंग होती है। मिसाल के तौर पे मेरी फैन फॉलोइंग जो है उसका ताल्लुक POJK से है या इस बात से है कि ये शख्स जो है ये बोलता है इंडिया के हक में, ठीक है ना। आपकी फैन फॉलोइंग अपनी है कि भई ये ऐसे ऐसे मुद्दे उठा के लोगों के सामने रखती हैं जो बड़े दिलचस्प होते हैं और आपका अंदाज बयान भी बड़ा खूबसूरत है तो उसको भी लोग पसंद करते हैं। मोदी जी की जो फैन फॉलोइंग है वो एक विश्व गुरु की फैन तरह की फैन फॉलोइंग, लीडर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत कम तारीख में ऐसे वाकयात होते हैं कि जहां ऐसा लीडर हालात पैदा कर देता है कि जो इतिहास रचा जाते हैं, हिस्ट्री लिखी जाती है। और मोदी जी जो है ये वही उन्होंने किया है। और मतलब है जैसे महात्मा गांधी थे, ठीक है ना, जैसे श्री चंद्र सुभाष बोस थे, तो इस तरह के जो लोग हैं ये तारीख में बहुत कम पैदा होते हैं। नेहरू जो थे उस तरह के लोग तो पैदा होते रहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के भी जो है वो लोग पैदा होते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो दुनिया को एक विजन दे के जाए, जो दुनिया में एक नया दुनिया को नजदीक लाने का बायस बने, जैसे G20 की आपने बात की तो वन अर्थ वन जो है फैमिली वन फ्यूचर, राइट। और फिर उन्होंने हर दफा यही G20 के मीटिंग में कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट को दूर किया जाए, बैठ के बात करो, मसाइल को बैठ के सुलझाया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप देखिए एक तरफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठा है तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस बैठा है, तो क्या मैसेज जा रहा है दुनिया। फिर आप देखें कि G20 को G21 बना दिया, उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को साथ ले आए। फिर आप देखें कि कैसे जयशंकर जी को भेजा के जाके इज्जत से लेके आओ, उनको बिठाया, उनका झंडा लगाया, उनका आगे नेम लगाया। तो अफ्रीकन यूनियन को लाने से 55 मुल्क अफ्रीका के जो है वो शामिल हो गए, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि हमने जिस तरह हिंदुस्तान के 10 करोड़ लोगों को गुरबत से निकाला है, हम अफ्रीका को भी गुरबत से निकालेंगे। तो जाहिर है ये सारी चीजें, फिर उनका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो इतना सक्सेसफुल है। और फिर गुजरात में तो जो उन्होंने किया वो बहुत कम लोगों को पता है जब वो चीफ मिनिस्टर थे वहां, लेकिन कश्मीर में जो कुछ किया वो तो पूरी दुनिया देख रही है, कैसे डेवलपमेंट हुई, पीस आया, हर चीज हुई। हालांकि पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान, वो कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, हिंदुस्तान के साथ कोई ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे जब तक 370 बहाल नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन नीचे से आवाम आप कह रही है कि जाओ, तुम जाओ बाढ़ में, हम तो इंडिया के साथ जा रहे हैं, नारे लग रहे हैं, लोग तिरंगे उठाना शुरू हो गए गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है ना। तो जाहिर है कि इतना बड़ा उनका ऑरा बन चुका है। तो वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन जो है वो बने आज है, कल वो चेंज हो जाएगी, कोई और आ जाएगा, वो तो एक जॉब है। लेकिन ये जो मोदी जी का है ये जॉब नहीं है, ये एक मिशन है, बड़ा फर्क है। व्हाट टाइप ऑफ विजन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि हमें दिख रहा है कि पहले रशिया ने बोला कि हम इंडिया की पॉलिसी कॉपी करने वाले हैं,
मेड इन इंडिया को जो प्रमोट कर रहे हैं, पीएलआई स्कीम को जो वो प्रमोट कर रहे हैं, रशिया ने बोला हम भी इस चीज को कॉपी करेंगे। फिर जो बाइडेन साहब जो है वो सल्यूट करते हैं उनको उठकर, अभी G20 में देखा कि G20 लीडर्स ने महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट पेश किया है नंगे पांव जाकर। तो सर बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं वो निकल कर आ रही है भारत से। फिर क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया और क्राउन प्रिंस जाते हैं वहां पर इंडिया में।